हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जिसके नाम है डेंगू और उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो डेंगू को सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको आप कैरेक्टराइज कैसे करोगे। सो डेफिनेशन है, डेंगू इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर ऑफ सडन ऑनसेट, कैरेक्टराइज बाय फीवर ऑफ सडन ऑनसेट, हेड एक, रेट्रो बल्बर पेन, कंजक्टिवल इन्फेक्शन, पेन इन बैक एंड जॉइंट्स, लिम्फेडेनोपैथी एंड मैक्यूलोपैपुलर रैश। तो एक डेंगू क्या होता है कि इसके अंदर फीवर आता है सडन ऑनसेट के साथ में, हेडेक होता है, रेट्रो बल्बर पेन, रेट्रो बल्बर पेन का मतलब होता है आँखों के पीछे पेन होना। ठीक है, एट द बैक ऑफ द आई देर इज अ पेन। ठीक है, कंजक्टिवल इन्फेक्शन, कंजक्टिवा के अंदर अपने इन्फेक्शन हो जाता है और पेन होता है बैक में, अपनी कमर में और जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ा पेन होता है। ठीक है, इसलिए इसको है ना ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, इसका मतलब जो अपने लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर इन्लार्जमेंट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। साथ के साथ में मैक्यूलोपैपुलर रैश भी देखने को मिलते हैं किसी किसी पेशेंट्स के अंदर। मैक्यूलोपैपुलर रैश क्या होता है कि जो स्किन वाला एरिया होता है वो रेड हो जाता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होती है और इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से जब वो ब्लड है वो अपनी स्किन उधर स्किन की साइड में आ जाता है, टिश्यूज़ के ऊपर आ जाता है, सबक्यूटेनियसली आ जाता है, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे रैसेज हो गए। ठीक है, और वो मैक्यूल की अगर थोड़ा स्किन का पार्ट थोड़ा रेज्ड हो गया तो फिर उसको मैक्यूलोपैपुलर रैश बोल दिया। ठीक है, फ्लैट रेडेंड एरिया। ओके, अब कि एक डेंगू वायरस क्या होता है, एक ये है ना अरबो वायरस की जो फैमिली होती है, अरबो वायरल, उन्हीं का एक उसी उसी फैमिली में डेंगू वायरस आता है। ठीक है, ये अपने इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, डेंगू। अब इसके अंदर पांच सीरो टाइप्स होते हैं डेंगू के, डेंगू 1 जिसको DEN1 भी बोलते हैं, डेंगू 2, DEN2, डेंगू 3, डेंगू 4 एंड डेंगू 5। ठीक है, डेंगू 5 अपने सबसे पहले इसको 2013 के अंदर बैंकॉक के अंदर मिला था, डेंगू 5 ये वाला सीरो टाइप्स। ठीक है, बैंकॉक इन थाईलैंड। ठीक है, अब चलो, अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे हम लोग को हमको डेंगू हो जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है एडीज इजिप्टी के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है ये वायरस। ठीक है, एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है ना, तो होता क्या है कि ये वायरस उस मच्छर के अंदर होता है या फिर वो वायरस इन्फेक्ट हो जाता है किसी और ह्यूमंस के थ्रू। ठीक है, तो उसके थ्रू इस मच्छर में आता है और जब ये मच्छर ब्लड मील लेने के लिए किसी दूसरे ह्यूमन को काटता है तो फिर उसके अंदर ये ट्रांसफर कर देता है। अब हमारे पास में इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देखते हैं। तो ये क्लिनिकल फीचर्स दो फॉर्म्स में होती है, क्लासिकल डेंगू फीवर और फीवर और अदर मैनिफेस्टेशंस। अदर मैनिफेस्टेशंस के अंदर आता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS और DHF। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल डेंगू को समझेंगे कि क्लासिकल डेंगू में क्या क्या होता है। क्लासिकल डेंगू हमेशा थोड़े बड़े बच्चों को, ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये एक तरह का बिनाइन कोर्स है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। ठीक है, रिलेटिवली बिनाइन कोर्स। इसमें क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है और मसल्स और बोन्स के अंदर पेन होता है। ठीक है, फीवर इज टिपिकली बाईफेजिक, दो फेज के इसके अंदर दो दो फेज के अंदर फीवर आता है। ठीक है, इसको सैडल बैक फीवर भी बोलते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड 5 से 8 दिनों का होता है। मैक्यूलोपैपुलर रैश 3rd और 4th डे पे दिख जाता है। ठीक है, और ये फिब्रेल इलनेस है जो कि सिर्फ 10 दिनों तक रहती है और इसकी रिकवरी जनरली कंप्लीट हो जाती है, और ये फैटल नहीं होता, रेयरली फैटल होता है, मतलब जानलेवा नहीं है, क्लासिकल डेंगू टाइप वाला। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, इसका दूसरे अदर मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे। तो अदर मैनिफेस्टेशंस के अंदर आते आ रहे हैं कि इसकी अदर मैनिफेस्टेशंस में दो सीरियस फॉर्म्स आ जाती है डेंगू की, एक है हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस और विथ शॉक। ठीक है, हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन में मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है इसके अंदर और शॉक भी हो सकता है।
ठीक है। अब शॉक का मतलब क्या होता है कि अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, और जब उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इसकी वजह से वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते और वो अपनी बॉडी शॉक में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इनको जैसे दो फॉर्म में बोलते हैं, एंड दीज आर नोन एज डेंगू हीमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। जैसे हाइपोटेंशन हो गया, पल्स प्रेशर नैरो हो गया, ठीक है। DHF डेंगू हीमोरेजिक फीवर, DSSS डेंगू शॉक सिंड्रोम रिमेन्स मोस्टली कन्फाइंड अमंग चिल्ड्रन ऑफ 5 to 10 years एज ग्रुप एंड वेयर मल्टीपल डेंगू वायरसेस कॉज डिजीज। हाँ, ये जो अदर मैनिफेस्टेशंस है ये वहाँ पे उन एरियाज में मिलेंगे जहाँ पे डेंगू वायरसेस के जो सीरोटाइप्स है ना, डेंगू 1, 2, 3, 4, 5, ये मल्टी वो सारे टाइप्स के डेंगू वायरसेस उधर मिलते हों, और ये 5 से 10 साल की जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके अंदर होगा, ठीक है। ये एक तरह की हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है। जब ये वाले मल्टीपल जब डेंगू वायरसेस अफेक्ट करते हैं किसी पर्सन को, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, अपना हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, अगेंस्ट द डेंगू वायरस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। इट इज सीन इन पेशेंट्स प्रीवियसली इन्फेक्टेड विथ डेंगू वायरसेस। हाँ, ठीक है। अब मान लो किसी पर्सन को एक डेंगू वायरस उसके अंदर चला गया, इन्फेक्शन हो गया, और वो थोड़े टाइम बाद में ठीक भी हो जाता है। अब क्या हुआ, उसके बाद में उसके अंदर री इन्फेक्शन हुआ, किसका हुआ, डेंगू का। और इस बार जिस डेंगू वायरस ने काटा है वो सेम सीरोटाइप नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब उसको सीरोटाइप फर्स्ट वन था और सीरोटाइप वन वाला डेंगू वन ने काटा उसको और वो उसको ठीक हो गया। अब दूसरी बार जब उसके अंदर री इन्फेक्शन हुआ तब एक डिफरेंट सीरोटाइप था, मान लो सीरोटाइप 2, डेन 2, ठीक है। और उसकी वजह से अब हमारे पास में एंटीबॉडीज बनी हुई थी पहले से, किसके खिलाफ बनी हुई थी, DEN1, मतलब जो हमें सबसे पहले जो इनिशियल जो इन्फेक्शन हुआ था उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी हुई थी। लेकिन इस बार हमको जो वापस इन्फेक्शन हुआ है वो किसका हुआ है, दूसरे सीरोटाइप का हुआ। तो अब हमारे जो दूसरे सीरोटाइप वाला वायरस और एंटीबॉडीज जो कि पहले वाले सीरोटाइप के खिलाफ थी, इन दोनों का मिलके कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये वाली जो मैनिफेस्टेशंस है वो दिखेगी। क्या मैनिफेस्टेशंस दिखेंगी, कि भाई जो इनिशियली जो फीवर है, हेडेक है, जो मेन जो डेंगू के सिम्टम्स हैं वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, साथ के साथ में हीमोरेजिक रैश दिखेगा। हीमोरेजिक रैश मतलब वही है, स्मॉल स्पॉट्स ऑफ ब्लड अपियर ऑन द स्किन। जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लड है वो अपनी स्किन के अंदर दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी दिखेगा, लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट बहुत शो हो जाएगा, और शॉक, शॉक जैसा कि मैंने समझाया कि ब्लड काउंट अपना प्रॉपर ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके अंदर मॉर्टेलिटी रेट 5 से 10% रहती है। अपने इंडिया के अंदर बात करें तो चारों सीरोटाइप्स हैं वो इंडिया के अंदर मिलेंगे, DEN1, DEN2, DEN3 एंड DEN4। जो DEN5 है वो अभी तक इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो सबसे पहले मैंने जैसा बताया DEN5 2013 के अंदर कहाँ मिला था बताओ, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर मिला था, ठीक है। अब वो मैंने जैसा कि अभी बताया कि ये यहाँ पे कैसे हो रहा है री इन्फेक्शन, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताया है कि मान लो फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, उसको इन्फेक्शन हुआ DEN1 के थ्रू और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई बॉडी के अंदर और वो थोड़े टाइम बाद में हील हो गया। अब सेम पर्सन को फॉर एग्जाम्पल दूसरे सीरोटाइप की वजह से डेंगू हुआ। अब इसके अंदर ये जो मैनिफेस्टेशंस पड़ी हैं हमने, अदर मैनिफेस्टेशंस, वो अब दिखेगी, पहले वाले केस में नहीं दिखेगी जब इसको इनिशियल जब पहली बार डेंगू हुआ, इस केस में इसको दिखेगी। अब जो ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज थी इसके खिलाफ, DEN1 के खिलाफ, ये वाली एंटीबॉडीज इसके साथ में, इस वायरस के साथ में जो DEN2 है ये वाले सीरोटाइप के साथ में कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और जो हमको मैनिफेस्टेशंस है हिमोरेजिक रैश वगैरह, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, शॉक वगैरह, ये सब हमको देखने को मिलेंगे। तो ये था अपना डेंगू, जिसके अंदर हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसकी डेफिनेशंस, डिफरेंट सीरोटाइप्स वगैरह ये हमने देखे।
ठीक है। आप इनकी कोई फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट। थैंक यू।